वहीं पहाड़ों की रानी शिमला में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। जहां लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है, वहीं सैलानियों को तो मानो सैर सपाटे का शानदार मौका मिल गया। हिमाचल प्रदेश में एक बार मौसम ने फिर से करवट बदली है और पिछले दिनों जो गर्मी का एहसास यहां पर लोगों को सता रहा था, उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को निजात मिली है, खासतौर पर सैलानियों को। पहले आपको दिखाते हैं यहां पर किस तरह से मौसम है। आज देख सकते हैं आप, ये जो पहाड़ियां हैं, ये जो गर्मी थी उसकी जो तपिश थी, गर्मी की तपिश, उसकी वजह से साफ नहीं दिखाई देती थी, लेकिन बारिश हुई और बारिश ने जो है वो पूरी पहाड़ियां जो है, जो तपते पहाड़ थे, जो गर्म पहाड़ थे, उन्हें कहीं ना कहीं ठंडा किया। और एक नजारा आप यहां पर देखिए, क्या खूबसूरत नजारा है, जिसकी उम्मीद, जिसकी चाह लिए सैलानी दूर दराज से यहां पर पहुंचते हैं, राज्य भर से यहां पर पहुंचते हैं। और ऐसे ही यहां पर सैलानी जो है वो पहुंच चुके हैं यहां पर, इनसे बात करते हैं। आप बताइए सबसे पहले कहां से आए हैं, और अगर मैं मौसम की बात करूं, कब से आप यहां पर हैं और मौसम में परिवर्तन है, कितना मजा आ रहा है? सर बहुत मजा आ रहा है, हरिद्वार से आए हैं। 48 डिग्री था वहां पर। अच्छा, और ये तो सिर्फ लग रहा है सिर्फ जन्नत है सर। बहुत बहुत मजा आ रहा है, बेटा भी है साथ में, मैडम है। अच्छा आप बताइए कि एक्सपेक्टेड था बारिश हो जाएगी एकदम से? नहीं, ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन इतना जरूर था कि प्लेजेंट वेदर मिलेगा और कुछ ठंडक से राहत मिलेगी, और उससे ज्यादा यहाँ पे आके मिला है, और वाकई में मौसम बहुत अच्छा है। कुछ और सैलानी यहाँ पर हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है नजारा सामने? अगर मैं बात करूं, पहाड़ जो है सामने, कैसा दिख रहा है आपको इस तरह, और किस तरह से अनुभव ले रहे हैं? बहुत खूबसूरत है, और जैसा अपन सोचे थे कि शिमला स्वर्ग जैसे सुंदर है, तो ऐसा नजारा दिख रहा है। अपन जहां से आए थे मध्य प्रदेश से, उमरिया डिस्ट्रिक्ट से हैं, और वहां पे 46 टेम्परेचर था, और यहां आए तो ऐसा लग रहा था कि उसी आवेश में आए हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लगा यहाँ आके, दिल खुश हो गया। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि और बारिश होनी चाहिए, और ज्यादा थोड़ा बहुत ठंडी और होनी चाहिए, उस हिसाब से वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन बारिश हो जाती है तो मौसम थोड़ा और ठंडा और सुहाना हो जाता। तो यहाँ पर जो सैलानी हैं, वो उनका ये कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर तापमान है, जहाँ से वो आए हैं मैदानी इलाकों से, तपते मैदानी इलाकों से, यहाँ पर आकर उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि एक नेचुरल एसी जो है शिमला, जिसके नाम से मशहूर है, यानी जो मौसम है, जब बारिश होती है फिर ठंडा हो जाता है, और इसी ठंडक की उम्मीद और चाह लेकर देश भर से, बल्कि विदेश से और तपते मैदानी इलाकों से सैलानी जो है अब यहाँ पर रुख कर रहे हैं, क्योंकि इन दिनों तापमान जो है मैदानी इलाकों में 40 डिग्री से अमूमन जो है वो औसतन ऊपर चल रहा है। ऐसे में अब शिमला का तापमान की बात करें तो 5 से 6 डिग्री तक की गिरावट जो है, भारी गिरावट कह सकते हैं, वो दर्ज की गई है। और अब यहां पर सैलानी जो निराश थे मौसम की वजह से, क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा थी, अब कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन योगराज शर्मा के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया शिमला।